फ्राम अल्ड स्कूल फैसर मूव ऑन टू पेज नंबर नाइन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन डिफाइन अर जॉइंट ऑफ आट्रिक्स बुक्स से पेज नंबर ट्वेंटी वन पर आप देखेंगे लास्ट पर लिखी हुई है अर जॉइंट ऑफ आट्रिक्स डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं अर जॉइंट ऑफ आयर मेट्रिक्स ए ये आपके पास एक मेट्रिक्स है डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कह दिया है कि जब आपने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है तो वो आपके पास एक स्क्यर मैट्रिक्स की शक्ल होनी चाहिए स्क्यर मैट्रिक्स मतलब उसकी रोज और कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए यानी टू बाय टू का आपने एक स्क्यर मैट्रिक्स ले लेना है देन आप उस पर जॉइंट कैसे लेंगे ऑब्ट बाई इंटरचेंजिंग द डाइग्नल एंट्रीज आपको याद है कि ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है ये इन डाइगनल लाइन है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इसे हम कहते हैं डाइगनल एंट्रीज तो आपने क्या करना है ये जो डाइगनल एंट्रीज़ हैं इनको इंटरचेंज करना है यानी रिप्लेस कर देना है ए को डी की जगह पे लिखना है डी को ए की जगह पे लिखना है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज यानी जो बाकी एलिमेंट्स रह गए हैं यानी बाकी कौन सा रह गया था बी और सी इन दोनों के आपने क्या करना है साइन चेंज कर देना है अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है इसको जब हम अप्लाई करेंगे दोनों चीज़ें तो ये इस तरह से बन जाएगा यानी आपने डाइगनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करना था ए को डी की जगह पे डी को ए की जगह पे ये देखें ये हो गया उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स रह गए थे उनके साइन चेंज करने हैं वो दोनों पॉजिटिव थे वहाँ पे अब दोनों के साथ क्या आ गया नेगेटिव ये आपके पास सिंपल मैट्रिक्स है और ये आपके पास क्या है एडजाइंट मैट्रिक्स अब आप याद रखिएगा जब आपने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेना है तो आपने ये एडजाइंट साथ ज़रूर लिखना है जो शो करता है कि हमने इस मैट्रिक्स का एडजाइंट ले लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेंगे डिफाइन नेचुरल नंबर विद एग्जांपल साथ ही हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कर लेंगे डिफाइन होल नंबर विद एग्जांपल बुक से पेज नंबर थर्टी फोर पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है रियल नंबर्स उसमें फर्स्ट पे आता है नेचुरल नंबर डेफिनेशन देखें द नंबर वन टू थ्री विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कार्ड नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो आपकी सिंपल काउंटिंग होती है जो आप चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं उसी काउंटिंग को हम कहते हैं नेचुरल नंबर अब वो सिंपल काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है और काउंटिंग एंडलेस होती है यानी वो इनफिनिट होती है उसका एंड नहीं होता तो इसी काउंटिंग को हम कहते हैं नेचुरल नंबर और वो पॉजिटिव होती है सारी काउंटिंग तो इसलिए आप उसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं नेक्स्ट है कि उसको डिनोट किससे करते हैं आप नेचुरल uh, नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और उसका सेट इस तरह से बनेगा एन इज इक्वल ब्रैकेट वन टू थ्री अप टू सो ऑन यानी ये काउंटिंग चलती जाएगी एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इस काउंटिंग में डेसिमल का पॉइंट पॉ, वैल्यू नहीं आती यानी पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं आती और इस ये नॉन फ्रिक्शनल होती है यानी इसमें डिवाइड वाली भी कोई वैल्यू नहीं इंक्लूड होती ये जस्ट सिंपल काउंटिंग होती है नेचुरल नंबर में पॉइंट वाला वैल्यू भी नहीं होगी और फ्रैक्शन वाली भी नहीं होगी जस्ट सिंपल काउंटिंग को हम कहते हैं नेक्स्ट आते हैं होल नंबर्स पे डेफिनेशन देखिए इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब कि आपके पास जो नेचुरल नंबर की काउंटिंग हमने देखी थी वन टू थ्री अप टू सो ऑन वाली उसी में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें और जीरो स्टार्ट पे आप लगा दें तो जो नया सेट बन जाएगा ये देखें नया सेट जीरो वन टू थ्री इसको हम कह देंगे होल नंबर्स यानी आपकी वो नेचुरल नंबर वाली काउंटिंग है बस इसमें क्या इंक्लूड कर दिया आपने जीरो तो ये क्या बन जाएगा होल नंबर्स और होल नंबर को हम डब्ल्यू यानी कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटीजर्स हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं पॉजिटिव यानी जो आपकी ये वन टू थ्री वाली काउंटिंग हमने पढ़ी थी वो पॉजिटिव भी आ जाएगी जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ ऐड होगी नेगेटिव इंटीजर्स इसका सेट इस तरह से बनेगा ज़ीरो आपका मिड में और राइट right साइड पे आपकी पॉजिटिव काउंटिंग है और लेफ्ट साइड पे आपकी नेगेटिव काउंटिंग आ जाएगी तो इसमें आपका ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों चीज़ें आ जाती हैं इसको हम कहते हैं इंटीजर्स और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट डू यू नो अबाउट रैशनल एंड इन रेशनल नंबर्स पेज नंबर थर्टी फोर पर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर्स डेफिनेशन देखें ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी डिवाइडेड बाय क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो डेफिनेशन में फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कह दिया कि जितने कि जितने भी डिवाइड वाले नंबर्स होते हैं यानी डिवाइड की फॉर्म में होते हैं वो आपके रैशनल नंबर काउंट काउंट होते हैं यानी आपका टू डिवाइडेड बाय थ्री फोर डिवाइडेड बाय फाइव यानी डिवाइड वाली वैल्यूज़ को हम कहते हैं रैशनल नंबर और जो आपका ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर तो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपके इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे इंटीजर्स यानी ये आपके यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है वो एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो क्यू कहाँ पर था आप देखें नीचे लिखा हुआ था यानी डिनोमिनेटर में तो उन्होंने कहा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इसका रीज़न ये है कि जब आप डिवाइड में किसी चीज़ के ज़ीरो लिखते हैं तो उसको आप कैलकुलेट करें तो उसका आंसर इन्फिनिट आएगा यानी उसका आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इन्फिनिट ही आंसर है इसलिए आपने नीचे जो है डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लेना तीन चीज़ें आपने याद रख लेनी है पहली चीज़ के वो आपका रेशनल नंबर क्या होता है डिवाइड की फॉर्म में होता है दूसरी चीज़ जो आपका ऊपर और नीचे P और Q है वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है और तीसरी चीज़ कि आपका जो Q, यानी डिनोमिनेटर वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं कैपिटल Q से इसके बाद आप देखें कि इसको सेट की फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह से लिखा मैंने कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है पी क्यू बिलोंग करता है जी से और ये और एंड का साइन है एंड क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू जीरो आपकी सेट की फॉर्म हो गई अब आपने याद रखना है जो नेचुरल नंबर में हमने कहा था कि वो सिंपल काउंटिंग होती है उसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल नहीं आते वैल्यू तो ये डेसिमल और फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वो रेशनल में आ जाते हैं इसीलिए ये एक सेपरेट सेट बना दिया उन्होंने नेक्स्ट आ जाते हैं इरेशनल नंबर द नंबर्स विच केन नॉट बी एक्सप्रेस एज कॉशन ऑफ इन डीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर अब आप देखते हैं कि आप ये जो सिंपल डिवाइड की वैल्यूज़ होती हैं इस तरह से जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो एक सिंपल आंसर आ जाता है पॉइंट में ठीक है लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हम कैलकुलेट uh, करते हैं कैलकुलेटर पे अगर आप करें तो उसका आंसर पॉइंट के बाद काफ़ी लंबा आ जाता है यानी पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स लिखे होते हैं तो उनको आप फ्रैक्शन की सूरत में इस तरह से लिख नहीं सकते तो इसलिए उन नंबर्स को हम इैशनल नंबर्स में लिख लेते हैं यहाँ पर आप देखें तो ये अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव ये आपकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं जब आप अंडर रूट टू को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो उसका आंसर ये देखें वन पॉइंट फोर वन फोर टू समथिंग इस तरह से आ रहा है यानी पॉइंट के बाद काफ़ी लंबी वैल्यू आ रही है तो ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट के बाद काफ़ी लंबी हो तो उससे जाहिर है आप इस तरह की सूरत में तो नहीं लिख सकते जब आप उसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो वो रैशनल में नहीं आएगा तो फिर आप उसे किस में डाल देंगे इरेशनल नंबर में डाल देंगे और इरेशनल नंबर्स को क्यू बार से डिनोट करते हैं याद रखिएगा ये डिवाइड वाली वैल्यूज़ नहीं होती ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको डिवाइड जिनको कैलकुलेट करें तो पॉइंट के बाद वैल्यू काफ़ी लंबी आती है तो उसको हम रैशनल के बजाय इरेशनल में लिख देते हैं नेक्स्ट आ जाता है डिफाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्वेश्चन नंबर है सेवनटीन पेज नंबर थर्टी सिक्स पर आप बुक पे देखें ये फर्स्ट पे लिखी हुई है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रैक्शन आपको पता है डिवाइड वाली वैल्यू को कहते हैं ये टू डिवाइडेड बाय थ्री फाइव लिखा हुआ है ये आपका क्या है फ्रैक्शन है अब डेसिमल किसे कहते हैं पॉइंट में जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं डेसिमल जैसे ये टू डिवाइडेड बाय फाइव इसको सॉल्व करके जीरो पॉइंट फोर आंसर आया तो ये आपका डेसिमल है अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं इस डेफिनेशन एग्जाम्पल आप ये देखें थ्री डिवाइडेड बाई एट है ये आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म है जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास ये पॉइंट में आंसर आता है तो ये इसी का आंसर है फ्रैक्शन को तो आप इसे पॉइंट में आने के बाद इसे कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन हो गया है डेसिमल कहते हैं पॉइंट वाली वैल्यू को तो अब आप देखें तो अगर ये वन एग्जांपल भी देख लें तो इसमें आपका आंसर जो है वो ज़ीरो पॉइंट फोर है यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है इसमें पॉइंट के बाद तीन नंबर है तो इसका मतलब ये इसके आंसर जो हैं डेसिमल के ऐसे हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं यानी इनका पॉइंट के बाद जो है फिनाइट नंबर है फिनाइट नंबर जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका आंसर डेसिमल पार्ट जो है वो आपका काउंटेबल हो यानी फिनाइट हो इस तरह के आंसर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन राइट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स इसका आंसर देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोय प्रॉपर्टी सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फोर्थ है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फिफ्थ है इन्वर्स प्रॉपर्टी और सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ जस्ट आपने उसके नाम याद रखने हैं तो स्टूडेंट हमारा मैथ का समय पैक यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह